हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो के अंदर हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएपीएफ 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला था आज 26 अप्रैल को, और वो नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है, क्या उसकी स्टार्टिंग डेट है, क्या उसकी एंडिंग डेट है जब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, फिजिकल मेडिकल में क्या चेंजेस किए गए हैं। देखो, वीडियोस आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल कंप्लीट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं पहले भी, और आज भी आती रहेंगी वीडियोज़, लेकिन ना तो आपको कोई फिजिकल मेडिकल के चेंजेस बताएगा, और ये बहुत सारे लोग 2022 में फेस कर चुके हैं, वेट बढ़ा बढ़ा करके गए हुए थे और उधर बाहर हो गए। बाद में फिर मेरे को पूछ रहे थे कि सर केस करना है, ये करना है, वो करना है। भाई पहले बताया था ना, क्यों नहीं ध्यान दिया उस चीज़ के ऊपर? तो आप लोग वो गलती ना करो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस फिजिकल मेडिकल में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके साथ साथ आपकी वैकेंसी जो बताई गई थी उससे ज़्यादा आई हैं। एंड तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कोई भी कोचिंग वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको नहीं बताएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। EWS और OBC सर्टिफिकेट के लिए कट ऑफ डेट क्या है, मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर किया है, आज वो क्लियर भी हो गया नोटिफिकेशन के अंदर, तो वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक आप वीडियो को पूरा देखना, ताकि फॉर्म भरते वक्त किसी भी तरह की आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार गलती कर दी आपने, फिर वो एक बार मॉडिफिकेशन आपको अलाउ करेगा, और मॉडिफिकेशन गलती से ठीक नहीं हो पाई तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, पूरा एक अटेम्प्ट आपका चला जाएगा। सो इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ताकि वो सब भी इसके लिए प्रिपेयर कर सके। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, इतनी वैकेंसीज पिछले 3-4 साल में नहीं आई थी, ठीक है। 2018 के बाद इतनी वैकेंसी, 2019 के बाद इतनी वैकेंसीज, अब आ रही है 2023 में 4 साल के बाद। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को सारी डिटेल जानते हुए। जैसे कि आपको पता है कि सीएपीएफ 2023 का नोटिफिकेशन आज 26 अप्रैल को ओपन हुआ, तो आज 26 अप्रैल 6 बजे से लेकर के आपका आखिरी डेट जो है वो 16 मई है। कितनी है? 16 मई। 16 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, और 16 मई को शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, तो जितना हो सके जल्दी भर देना। लास्ट डेट या लास्ट टाइम तक का वेट मत करना, ठीक है, और पहले दिन भी मत भरना, 2-3 दिन बाद भर देना, ठीक है, आराम से, ताकि सिस्टम जो है वो चल जाए और आपको पता भी चल जाए कि क्या क्या है। देन उसके बाद सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला तो आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कहाँ से? upsconline.nic.in, ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू फॉर्म भरना है। उसके लिए पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आप यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के करोगे, उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे, देन आप अपना फॉर्म जो है वो भर पाओगे। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने एक बार कर दिया तो एक ही बार करना है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ही आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपका फॉर्म भर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन आप 23/5/2023 यानी कि 23 मई 2023 तक कर सकते हो, 7 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद है मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और भरते वक्त आपसे कोई गलती हो गई तो कैसे ठीक करोगे? तो उसके लिए भी आपके लिए 7 दिन की विंडो ओपन है, कि 7 दिन के अंदर अंदर 17/5/2023 के बाद से, 16 तारीख को आपने फॉर्म भरा, तो 17 से लेकर के आपका 23 तारीख तक आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। 23 तारीख तक आप अपना मॉडिफिकेशन जो है उसके अंदर कर सकते हो। विदड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, बहुत बार लोगों को ये होता है कि मैंने फॉर्म भर दिया बट मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं ये फॉर्म देना नहीं चाहता। ऑल दो आप दोगे जब एग्जाम, नहीं देने जाओगे तो भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, बट फिर भी विदड्रॉल जो है वो रखा जाता है, सिविल सर्विस में होता है। इधर बताया गया है कि कोई विदड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो भर दिया। देन उसके बाद कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए? तो कैंडिडेट के पास अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो कि एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, एंड स्कैंड कॉपी जो होती है ना वो अपलोड करनी पड़ेगी। वो आप इतने समझदार होगे कि आप फॉर्म कैसे भरना नहीं आता हो तो आप जैसे भी आप भरना चाहो तो भर लेना अपना, या भरवा लेना किसी से। देन लास्ट डेट मैंने आपको बता दी पहले कि 16 मई 2023 और 6 बजे, शाम के 6 बजे, इतने तक आपने फॉर्म भर दिया तो ठीक है, उसके बाद फिर काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या है? इसके अंदर बताया गया कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये हम वैसे तो आगे भी देखेंगे, बट जो भी आप पेपर वन के अंदर एमसीक्यू उस पर टिक लगाओगे और आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? तो 1/3 की होती है। अब 1/3 का मतलब होता है 0.33, बट ये नेगेटिव मार्किंग 0.33 नहीं है, ये है 0.33 × 2, तो यानी कि 0.67, क्योंकि एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 हैं,
तो 33% ऑफ दी मार्क्स असाइंड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ना कि 0.33। बहुत सारे लोग 0.33 के हिसाब से स्कोर कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि मेरा 150 आ रहा है, बट टू रियलिटी में 130 135 होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग गलत जोड़ रखी है। देन उसके बाद अगला इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है वो क्या है कि कैंडिडेट जो है उनके बारे में बोला गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है ओनली, और कोई मोड अवेलेबल नहीं है। जैसे दूसरे फॉर्म्स में आप होता है ना कि आप वहां जाकर के सबमिट कर दो यूपीएससी के अंदर, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करोगे, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो वुमेन को उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है, डेट्स वाई जेंडर बैलेंस को बनाने के लिए जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स है सारी की सारी एनकरेज है टू अप्लाई करें, ठीक है। यानी कि मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई वुमेन कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही है तो जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें, आपके लिए फीस भी नहीं है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल के अंदर, थोड़ा बहुत फिजिकल और मेडिकल के अंदर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिटर्न एग्जामिनेशन, ऑल द बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, रिटर्न एग्जामिनेशन 6 अगस्त 2023 को होगा। आज 26 अप्रैल है, आप देख लो आपके पास मई जून जुलाई और लगभग 3-3.5 महीने का टाइम आपके पास अवेलेबल है, 101 दिन बचे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ऑल द मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने एक आरटीआई को दिखाया था जिसमें 284 वैकेंसीज बताई गई थी, बट अभी जो रियल नोटिफिकेशन आया उसमें टोटल 322 वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। कितनी? 322 वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं 2018 के अंदर बहुत ज़्यादा आई थी 460, देन उसके बाद 2019 के अंदर आई थी 326 के अराउंड, 2020 के अंदर आई थी आपकी 210, 2021 के अंदर आई थी 171, 2022 के अंदर आई थी 233, और 2023 के अंदर अब 322 आई है। तो देख लो 19 के बाद सीधा 23 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। तो अगर कोई भी डाउटफुल है कि उसने तैयारी नहीं करी है तो 3 महीना अच्छे से तैयारी कर ले, बहुत सारी वैकेंसीज है, आराम से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बीएसएफ के अंदर 86 है, सीआरपीएफ के अंदर 55 है, और ये लक्की वाली बात है आप लोगों के लिए कि हर एक फोर्स में 50-50, 60-60 वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज मेरे को याद है 2021 का मुझे इंटरव्यू देना है, SSB में एक वैकेंसी आई थी जो कि बाद में बढ़ के 13 हो गई थी, तो सोच लो 12-13, यहाँ 30-30 वैकेंसी आ रही है। और सबसे जो ड्रीम फोर्स जो लोगों को होती है CISF, सबसे ज़्यादा जो चूज़ करते हैं उसमें 91 वैकेंसीज हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए एग्ज़ाम को सीरियस लेकर के चलना, सारी डिटेल्स को ढंग से सुनना और अच्छे से फॉर्म को भरना, कोई गलती नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद आगे एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो रिजर्व है, 10% वैकेंसीज जो होती है वो रिजर्व होती है एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर वो अनफिल्ड फिल्ड हो जाती है, मतलब वो रह जाती है, उतनी फिल नहीं हो पाती, देन वो फिल की जाएंगी बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। ये भी क्लियर हो गया आपको, ऐसा नहीं होता कि एक्स सर्विसमैन की फिक्स है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन नहीं आया तो आपको नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो बच्ची खाली बची होनी चाहिए। बाकी ये सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अपना सेंटर अपने हिसाब से देख लो। साफ साफ लिखा है अलॉटमेंट ऑफ सेंटर जो होगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस के ऊपर होगा, यानी कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको वो सेंटर मिलेगा, गलती मत करना। मैंने सिविल सर्विसेज 2023 के फॉर्म भरने में गलती कर दी थी, मैंने बहुत लेट अप्लाई किया जिस वजह से मुझे दिल्ली नहीं मिला, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए वो गलती नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी भर देना। पहले दूसरे दिन मत भरो, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप आराम से भर सकते हो, लास्ट दिन का तो बिल्कुल वेट मत करना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आ जाती है जिसको कोई नहीं बताएगा, मैं बोल रहा हूँ कोचिंग्स जो होती हैं उनका फोकस क्या है, कोर्स बेचना, आपको पढ़ाना, आपको ये राइट डायरेक्शन देना, लेकिन सर्टिफिकेट्स फिजिकल मेडिकल इसमें क्या चेंजेस हुए वो कोई नहीं बताएगा आपको। ऑल दो मैंने ये सारी डिटेल्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत पहले बता दी थी कि ऐसे चेंजेस हैं और आपको ये ही सर्टिफिकेट चाहिएगा इतनी डेट के अंदर, बट यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी ओबीसी कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर रहा है 2023 के एग्जाम के लिए, उनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, दो सर्टिफिकेट अगर होते हैं, जैसे मेरे को जहाँ तक ध्यान है एक नॉन क्रीमी लेयर होता है और एक ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 21-22 and 20-21 तीन साल का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कि इश्यूड हुआ हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। ये मैंने पहले भी बताया था, 1 अप्रैल 2023 के बाद इश्यू हुआ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट और लास्ट डेट से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए। यानी कि आपके पास 1 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक का टाइम है, इसके बीच में अगर आपने अपना ओबीसी एनसीएल बनवा लिया तो आप एलिजिबल हो रिजर्वेशन के लिए, अगर नहीं बना तो इनवैलिड है और वो बाद में ठीक नहीं होगा, बाद में आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा और उस वजह से आप अगर क्लियर नहीं कर पा रहे होगे जनरल कट ऑफ को तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपका नाम पहले कट ऑफ कर दिया जाएगा। पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई 2023 तक आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर इस डेट के अंदर बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो आपका वैलिड नहीं रहेगा।
ठीक है। अब मुझे ये मत पूछना कि सर मेरा तो 31 मार्च को बना है, भाई नहीं वैलिड है तो नहीं वैलिड है, और यूपीएससी इसको कंसीडर नहीं करती है, कुछ नहीं बताएगी, सीधा मेल आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, हमने आपको जनरल बना दिया, अब आपकी जनरल की कट ऑफ पास नहीं हो रही है, इसलिए आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर आउट, योर कैंडिडेचर इज कैंसल्ड। ठीक है, अब एक बात लिखिए, कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट, कोई भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड है जनरल मेरिट के ऊपर, उसको चेंज नहीं करने दिया जाएगा कैटेगरी को फ्रॉम रिजर्व्ड से अनरिजर्व्ड, यानी कि हम बोलते हैं ना कि सर मेरा तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, मुझे जनरल में कंसीडर कर लो, वो नहीं किया जाएगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। एक बार फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा फिर नहीं चेंज होगा। जैसे मेरे में भी कुछ मिस्टेक थी तो मैंने यूपीएससी को लेटर और मेल वगैरह भेज के कि सर मेरे को जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाए, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया, तो 2022 वालों के लिए रिकमेंडेशन, अगर किसी का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है अभी यूपीएससी को लेटर्स और मेल्स भेज दो ताकि आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाए, बाद में नहीं होगा, एक बार फाइनल रिजल्ट आ गया ना फिर कैटेगरी चेंज नहीं होगी, फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर आउट हो। ठीक है, इसलिए पहले चेंज करा लो। देन उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होगा, अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अंदर जा रहा है तो उसके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की इनकम को शो कर रहा हो, एंड वो बना हो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई 2023 के बीच में, समझ रहे हो। चाहे ओबीसी का एनसीएल हो चाहे ईडब्ल्यूएस का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट हो, दोनों आपके 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आपके 16 मई 2023 तक के बीच में बने होने चाहिए। अगर इतने के बीच में आपके बने हैं तो आपका चलेगा, अगर इतने के बीच में आपके सर्टिफिकेट नहीं बने हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड नहीं होगा, उसको यूपीएससी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं बताएगा, मिस मत करना इस चीज़ को। ठीक है, देन उसके बाद और किसी का नहीं बना है तो बनवा लो, बन जाता है इतने टाइम के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, ठीक है, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपसे यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है कि अगर आप रिकमेंडेड नहीं हुए तो क्या आपकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डिस्क्लोज करना है, तो आप येस और नो फॉर्म भरते वक्त आपसे अगर पूछता है तो लगा देना, और कमीशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, अब उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, वो मैंने कहा कि 33% रिजर्वेशन है नहीं, अगर सारी की सारी 322 की 322 वोमेन भी सिलेक्टेड हो गई ना तो 322 की 322 वोमेन ही जाएंगी, ऐसा कोई नहीं है कि 33% रिजर्वेशन है सिर्फ वोमेन का, या फिर ऐसा हो गया कि भाई एक वोमेन सिलेक्ट हुई तो एक कोई बात नहीं, एक ही हुई तो क्या हो गया, या जीरो हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 33% होनी चाहिए। देन उसके बाद एज लिमिट, एक कैंडिडेट की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 20 साल, उसकी एज लिमिट 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी का, अगर वो पर्सन है तो, कट ऑफ डेट को मानते हुए 1 अगस्त 2023। अब यहां पे मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, किसी भी पर्सन को कोई भी मेरे को इस चीज़ के ऊपर मैसेज नहीं करेगा टेलीग्राम या यूट्यूब पे कि सर मेरी डेट इतनी है और क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखो, 1 अगस्त 2023 को कट ऑफ डेट रखते हुए अगर आप 20 साल के हो चुके हो और 25 साल से कम के हो तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप नहीं हो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी फरवरी 1998 है तो मैं एलिजिबल नहीं हुआ ना, 2 अगस्त 1998 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 1 अगस्त 2003 से लेटर नहीं होनी चाहिए, बस इतना बता दिया है, अब आप समझदार हो। अब एज लिमिट में रिलैक्सेशन कितना है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को, एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का मिलेगा। यहाँ पे एक साफ साफ बात बता दूं, अगर कोई पर्सन सीआरपीएफ सीआईएसएफ में कॉन्स्टेबल है वो मेरे से पूछता है कि सर मैं एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल हूँ, नहीं हो आप एलिजिबल, एक्स सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात होती है यहाँ पे, और दूसरा सीआरपीएफ का कोई कांस्टेबल जवान सब इंस्पेक्टर उनको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कास्ट वाला रिजर्वेशन आप यूज कर सकते हो, ये एक्स सर्विसमैन सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज अलग होते हैं। ठीक है, आप नहीं हो उस कैटेगरी में। देन उसके बाद टोटल जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में बोल रहा है कि लिमिटेड टू 5 ईयर्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस मोर देन 1 ईयर हो गया तो एक्स सर्विसमैन के लिए बोला जा रहा है कि आपको जो है उस बेसिस पे इन एलिजिबल डिक्लेयर्ड नहीं किया जाएगा अगर आपका जो डेट है, जो कट ऑफ डेट है, वो आपकी क्रॉस हो जाती है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस 1 साल से ज़्यादा चला जाता ना, तो जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था उस डेट के हिसाब से आपकी एज कंसीडर की जाएगी, उसके बाद की नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप फॉर्म भरते वक्त तो 24.9 के थे बट इंटरव्यू के दौरान आप 25 पार हो चुके हो, तो कोई बात नहीं, आपकी वो 24.9 ही देखी जा रही है। ठीक है, कैंडिडेट के बारे में बता रखा है कि डेट ऑफ बर्थ जो होती है उनकी शुड भी सही होनी चाहिए, एंड जो भी कोई चेंज उसके अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, एक बार अगर आपने फिल कर दी तो 10th की सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो इतना आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई आईआईटी की जरूरत नहीं है, कोई बीटेक
एमबीए किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बता रखा है कि अपीयर्ड अटेंड कमीशन विच वुड बी रेंडर एजुकेशनली क्वालिफाइड, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा। हाँ, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ऊपर ऊपर से लोग नोटिफिकेशन पढ़ के चले जाते हैं, वैकेंसी कितनी, एलिजिबिलिटी कितनी है, बस खत्म। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई फाइनल ईयर के अंदर अगर है, कोई भी अगर ये बोलता है कि सर मेरा अभी फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर शुरू हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। पहले बता दूँ, आप एलिजिबल तब होगे जब आप फाइनल ईयर के आखिरी सेमेस्टर में हो, तब एलिजिबल होगे। और उसमें भी एक कंडीशन है कि आपका जो रिजल्ट है, आपके पास डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कब, DAF जो फॉर्म भरा जाता है उससे पहले पहले। अभी आप फॉर्म भरोगे, आपसे आपकी डिग्री ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ डिटेल मांगी जाएगी, आप क्वालिफाइड हो या पासिंग हो या फिर पास आउट हो चुके हो, बस इतना पूछा जाएगा। लेकिन जब रिटर्न क्लियर करने के बाद DAF भरने की बारी आएगी ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उस DAF की जो क्लोजिंग डेट होगी ना, उससे पहले पहले आपके हाथ में आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, आप जो है वो सेलेक्टेड होने चाहिए, सॉरी आप जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके पास अपनी प्रोविजनल डिग्री या फिर फाइनल डिग्री या फिर फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे अप्लाई करी जाएगी, अपलोड करी जाएगी। अगर आपके पास वो नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, फिर चाहे एक दिन बाद लेकर के आओ, चाहे एक मिनट बाद लेकर के आओ, आप नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। और क्लोजिंग डेट ऑफ द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है आपकी सेप्टेम्बर, ये अगस्त में आपका एग्जाम हो रहा है तो अक्टूबर के अराउंड रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अक्टूबर, तो आप मान लो DAF आपका अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर मान के चलो, सेप्टेम्बर अक्टूबर तक आप फाइनली क्वालिफाइड हो चुके हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका हो, आपके हाथ में प्रोविजनल डिग्री या फिर फाइनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो। कोई अगर अपने सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है, नॉट एलिजिबल, फाइनल सेमेस्टर में है तो भी एलिजिबल तब हो जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं बताएगा कोई भी, आप बाकी देख लेना, ठीक है। रीअपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, जो कि सेलेक्टेड हो चुके हैं, जो पहले सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनको पता है कि वो दोबारा से एलिजिबल नहीं है कि वो अपीयर करें एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये सबको पता है, ये रूल पहले वैसे नहीं पता होगा, बट इसमें ये है कि अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए हो, देन उसके बाद आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ये फोर सेलेक्शन वगैरह अभी आपसे नहीं करवाया जाएगा, अभी सिर्फ सिंपल फॉर्म भरना है, ठीक है। फोर सेलेक्शन वगैरह ये सब आपसे कराया जाएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे, जब आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे तब, ठीक है, तो अभी नहीं। बट बाकी अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है, कोई भी फोर्स उसको मिल जाए, दोबारा एलिजिबल नहीं है वो अप्लाई करने के लिए। देन उसके बाद NCC बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको ऐसा नहीं बोला गया कि प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये बोला डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल है, आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फीस कितनी है, तो कैंडिडेट जो कि फीमेल है, SC ST कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए फीस 0 है, और बाकी जो OBC EWS जनरल उनके लिए फीस 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी, फीमेल कैंडिडेट SC ST की जो फीस है वो 0 है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारा मैंने पहले बता दिया है। अब उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, फिजिकल मेडिकल के लिए, तो एडमिशन जो है वो बता रहा है, फिजिकल एंड एफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट विल बी प्रोविजनल, एंड फिजिकल मेडिकल टेस्ट ये कब होंगे, तो आपके एज सून एज पॉसिबल जो है वो करा लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें शायद कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बाकी ये होता है कि एक बार आप फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर एलिजिबल जो है वो होने चाहिए, अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपका पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं थे, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एलिजिबल नहीं थे मतलब आपकी हाइट जो थी, आपकी जो वो थी, क्या कहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी थी कि नहीं थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी डेट मैंने बता दी, 16 मई और 6 बजे तक, ठीक है। और इसके बाद ये पूछ रहा है, UPSC का कहना है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप UPSC को कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, और किसी भी टाइम नहीं, बेसिकली वर्किंग आवर्स होते हैं, फ़ोन नंबर आपको गिवन है, मेल आईडी आपको गिवन है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा कैसे। तो देखो मैंने पहले भी इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिंपल इतना समझो, पेपर वन MCQ बेस्ड है, पेपर टू राइटिंग बेस्ड है, दोनों एग्जाम 6 अगस्त को होंगे। पेपर वन आपका 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, फिर 2 घंटे का गैप होगा, फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका पेपर टू होगा। पेपर वन 2 घंटे का है, पेपर टू 3 घंटे का है। पेपर वन आपका 250 नंबर का है और पेपर टू आपका 200 नंबर का, ठीक है, इतना बस आपका है, इतना समझो, बाकी फिर एग्जाम पैटर्न पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सब आपको पता है, ये आता है फिजिकल के अंदर चेंजेस, इसके बारे में भी बोल रहा हूँ, कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बना के देगा ना बता के देगा, ठीक है, उनका सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस होता है, मेरा फोकस जो है वो आप तक राइट गाइडेंस जो है वो पहुंचाना है, राइट डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है। सो इसीलिए फिजिकल के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, 100 मीटर आपकी वही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सॉरी मेल के लिए 16 सेकंड है, फीमेल के लिए 18 सेकंड है। 800 मीटर आपकी रेस जो है वो 3:45 है, फीमेल के लिए 4:45 है। लॉन्ग जंप आपके लिए 3 चांसेस है, 3.5 मीटर है, फीमेल के लिए 3 मीटर है, 3 चांसेस है। शॉर्ट पुट, पहले शॉर्ट पुट में केवल 1 चांस मिलता था और 4.5 मीटर फेंकना होता था, अभी यहाँ पे नया जो चेंज आया वो है 3 चांसेस,
शॉर्ट पुट के अंदर आपको तीन चांसेस दिए जाएंगे और फीमेल के लिए कोई शॉर्ट पुट नहीं है। ये तीन चांसेस क्यों किए गए हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी गलती से कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती थी और वो बाहर आ जाते थे शॉर्ट पुट के अंदर, तो उसी चीज़ को बचाने के लिए। इससे ये क्लियर होता है कि यूपीएससी चाहती है कि आप सेलेक्ट हो, आप अपनी तरफ से गलती मत करो, बस हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 150 नंबर का इंटरव्यू जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस देख लेना पेपर वन का क्या है, पेपर टू का क्या है। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें प्रॉपर सिलेबस एंड बुक लिस्ट बताई है। फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या चाहिएगा, तो आपको अपनी फोटोग्राफ चाहिएगी, आपका सिग्नेचर चाहिएगा जो कि साइज बता रखा है कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम कम होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें अपलोड करनी होती है, फोटो साइन और अपना आइडेंटिटी कार्ड, और कुछ नहीं, कोई ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट नहीं, ये सब बाद में आएंगे, ठीक है। ये सब आपके जब DEF भरोगे ना तब आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है विदाउट वेटिंग, ये साफ साफ बताया गया कि लास्ट डेट का वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना, ताकि जो है लास्ट में वेबसाइट जो है वो ठीक से चलती नहीं है। अब ये बता रखा है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.33 लिखा है, बट इसका मतलब है 0.33 × 2, ठीक है, यानी कि 0.67 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है। देन उसके बाद बाकी सब चीज़ें आपको पता ही हैं, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है। यहाँ भी साफ साफ बताया कि पेपर वन के अंदर जो OMR होगी उसके अंदर सारा ब्लैक बॉल पेन, पेपर टू जो है उसके अंदर आप जितनी भी डिटेल्स भरनी है वो सारी ब्लैक बॉल पेन, अंदर जो लिखना है अपने आंसर जो लिखने हैं वो आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू जेल पेन चल सकता है दोनों, इनके अलावा कोई यूज़ मत करना, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं और ये सब OMR कैसे भरना है ये सब आपको पता ही है। और ये अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, तीन चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें रेस कितनी करनी है, लॉन्ग जंप कितनी करनी है। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट जो मैन होगा उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो चेस्ट है वो मेल की होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और विद एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिनिमम है, यानी कि 86 तक तो जानी चाहिए, उससे कम पे आप बाहर हो जाओगे फिर। और फीमेल के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। वेट मेल का मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए और फीमेल का मिनिमम वेट 46 kg होना चाहिए। 50 kg से नीचे के आदमी को भगा दिया जाएगा वहीं से ही, फिजिकल से ही, कि भाई दोबारा आना अगले साल। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी आई या तो 6x6 होनी चाहिए या फिर 6x12 या फिर 6x6 और दूसरी 6x12 या फिर दोनों की दोनों 6x9 चल जाएगा। पावर कितनी होनी चाहिए, ±4 डायोप्टर तक अलाउड है, ठीक है। कलर परसेप्शन कितना होना चाहिए, CP3, ये जो भी होता है जिसको पता होगा वो देख ले अपने हिसाब से, CP3 तक अलाउड है। देन उसके बाद एज कितनी है, तो ये लासिक सर्जरी आपकी कब हुई हो, ऐसा नहीं है कि 17 साल की उम्र में लासिक हो रखी है, नहीं, आपकी 18 से 35 के बीच में लासिक हुई हो चल जाएगी। आपका कम से कम 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, साफ साफ लिखा है कि 6 मंथ पुरानी आपकी लासिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल मेडिकल है 1 महीने पहले लासिक करा के पहुंच गए उधर, 6 महीने मिनिमम है, ठीक है। और देन उसके बाद आपका कैरिंग एंगल वगैरह बता दिया, 15 मेल के लिए एंड 20 डिग्री फीमेल के लिए। बाकी ईयर पढ़ लेना, नोज, नेक, टीथ, ये सब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, आपको प्रॉपर डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं और ये सारे जनरल स्टैंडर्ड जो आपके बताए हुए हैं सब रीड कर लेना। टैटू के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, टैटू क्लोज क्या कंटेंट हो सकता है टैटू का और क्या लोकेशन होनी चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, सब बताया हुआ, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, जिसका हो वो देख ले। अब बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कब, रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद DEF भरने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अगले दिन मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप अनफिट हो जाते हो तो अगले दिन ही आपका रीमेडिकल होगा, साफ साफ लिखा है, ठीक है, कि मेडिकल गाइडलाइन जो हमने 2015 में नई मेडिकल गाइडलाइंस इशू करी थी उसके हिसाब से आपका जो फिजिकल और मेडिकल का जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है वो नई गाइडलाइन के हिसाब से होगा। और 2022 में नई गाइडलाइंस ने क्या बोला था कि अगले दिन ही रीमेडिकल होगा, तो जिसका भी वेट वगैरह ज़्यादा है वो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, अपनी मेहनत करना शुरू कर दो, 6 महीने के अंदर बहुत आराम से वेट घटा जाओगे। 2022 में बहुत सारे लोग वेट की वजह से बाहर हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिट और अनफिट डिक्लेयर करने के बाद, और आपका बता दिया सारी की सारी ये बात मैंने, और ये आपकी जो है हाइट वेट चार्ट आपको दिखाया गया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट उस रेंज में है कि नहीं, इस रेंज के हिसाब से अपने वेट को एडजस्ट कर लो। अगर आपका वेट इस रेंज में है ठीक है, नहीं है तो है तो मेंटेन करो, नहीं है तो उसको करो, उस रेंज में लाओ। बाद में फिर केस वगैरह पूछते फिरोगे इधर उधर कि मानसू भैया केस करना है, कहाँ से होगा, मेडिकल में बाहर निकाल दिया हमें, ठीक है, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो ये सारा था नोटिफिकेशन, आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको कहूँगा कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, ध्यान से देखना, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। बाकी मेरे से अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना है, आप बेझिझक होकर टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो आप मेरी पेड कोर्सेज की एक प्लेलिस्ट है जिसको जाकर के आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। उसके अंदर 4-5 प्रोग्राम्स हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं रिकमेंडेशन करूंगा, मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है, कुछ करो ना करो उड़ान को जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। 500-600 रुपये फीस है, जिसको लगता है कि मेरे 600 रुपये, मेरे पास 600 रुपये भी नहीं है, वो एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, उसके भी जुगाड़ बताएंगे। बट स्टिल आपको कह रहा हूँ, उड़ान को तो एटलीस्ट एक बार कंसिडर कर लेना, बहुत सही चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी फीस नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करा देगा, 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करा देगा, ठीक है। देखा तो ये थी सारी डिटेल्स आपकी नोटिफिकेशन के बारे में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरना, ज़्यादा लास्ट समय तक का वेट मत करना, और अच्छे से भरना, कोई गलती मत करना, गलती हो जाए तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स थी, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।